कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को थोड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा है कि तमिलनाडु के लिए 20 सितंबर तक हर दिन 12,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाए। इससे पहले कोर्ट ने 5 सितंबर को कर्नाटक सरकार को आदेश दिया था कि वह अगले 10 दिन तक कावेरी नदी का रोजाना 15,000 क्यूसेक पानी तमिलनाडु को सप्लाई करे। कोर्ट के इस फैसले के बाद से कर्नाटक के लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। तमिलनाडु को पानी दिए जाने के विरोध में राज्य के मांड्या समेत कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन जारी है। वहीं आज चेन्नई स्थित एक कर्नाटक होटल में कथित तौर पर एक तमिल संगठन ने हमला कर दिया। हमलावरों ने होटल की खिड़कियों के शीशे तोड़े और कुछ पर्चे भी छोड़े, जिसमें लिखा था कि अगर कर्नाटक में तमिल लोगों पर हमला किया गया तो इसका बदला लिया जाएगा। इससे पहले रविवार को बेंगलुरु में 22 साल के एक तमिल छात्र को पीटा गया और उसका वीडियो बनाया गया, क्योंकि उसने कन्नड़ अभिनेता पर कथित तौर पर अभद्र टिप्पणी कसी थी। कावेरी जल विवाद पर भले ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला बदल लिया हो, लेकिन दोनों राज्यों में हालात लगातार हिंसक होते जा रहे हैं। ऐसे में जरूरत है कि दोनों राज्य सरकारें कोई ठोस कदम उठाएं। देखते रहिए टीवी लाइव।